ये तो मुख्य समस्याएं किसानों की हैं, उनके समस्या उनका समाधान के लिए पहली समस्या है ओके कितना पानी लगाएं और दूसरी समस्या है कब पानी लगाएं। इन दो समस्याओं का समाधान किसान के पास आज तक नहीं था। कैन आई रिपीट इट इन इंग्लिश? या इट इज टू एड्रेस द टू बेसिक इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम टू द फार्मर्स। नंबर वन, हाउ मच टू इरीगेट एंड नंबर टू, व्हेन टू इरीगेट। एंड देयर वाज नो साइंटिफिक मेथड अवेलेबल विद द फार्मर टू एड्रेस दीज टू की इश्यू। एंड दिस इरीगेशन इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एप विल हेल्प फार्मर टू एड्रेस दीज टू की इश्यूज, व्हेन टू इरीगेट एंड हाउ मच टू इरीगेट। हाउ डज इट वर्क? It works on basis of the three basic things. Number one, remote sensing, which is a satellite technology. Number two is a KC table, which is a plant water requirement at different growth stages. And number three is a hyperlocal weather forecast. Merging these three things together, and we have developed an artificial intelligence which gives you a right amount of water at the right time for the next 1 week. And this will come week on week basis. This sir, एक कहावत सुनी होगी आपने, सुनी होगी, शहर के बच्चे को सिखाया सिखाता नहीं है। तो किसान के बच्चों से पता होता है कब पानी डालना है, कब पानी क्या करना है, कब क्या करना है, सब पता उसे है। फिर आपने ये ऐप क्या सिखाती है उनको? ये किसान के जो पता है वो उसका गट फील के ऊपर पता है। किसान को ये नहीं पता कि अगले छह दिन में बारिश कितनी होने वाली है। किसान को ये नहीं पता कि अगले एक हफ्ते में धूप कितनी निकलने वाली है। किसान को ये नहीं पता इवेपोट्रांसपोर्टेशन से लॉस कितना होने वाला है। हम किसान को ये बता रहे हैं कि अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे या इस इरिगेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी बिजली बचा सकते हैं, आप डीजल बचा सकते हैं, आप अपनी लेबर बचा सकते हैं और उसके बाद भी आप अपनी यील्ड ज़्यादा ले सकते हैं पानी की बचत करते हुए भी। किसान को क्या पता होता है कि हाँ मेरे को खेत में पानी लगाना है, पानी लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी लगाने के दो दिन बाद बारिश हो गई तो उस पानी लगाने का कोई फायदा नहीं। कई बार उसने पानी नहीं लगाया कि नहीं लगाना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगले चार दिन के अंदर या पांच दिन के अंदर ऑल ऑफ सडन हाई टेम्परेचर होने वाला है, हाई लेस ह्यूमिडिटी होने वाली है, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारा दो साल का एक्सपीरियंस ये कहता है जो हमने डिफरेंट ट्रायल्स लगाए हैं कि फार्मर्स को उसमें एक तो पैसे की बचत हुई है और दूसरी यील्ड की बढ़ोतरी भी हुई है, विच इज अ मोर इनकम टू अ फार्मर। आज के दौर में कितने पढ़े लिखे है किसान, कितने पढ़े लिखे है, कितने है किसान? अगर किसान व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जानता है तो नहीं, सारे किसान व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। आपने डेटा निकाल दिया है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में करीब 90 करोड़ से ऊपर मोबाइल फोन है और उसमें से करीब 60 या 70 करोड़ से ऊपर स्मार्टफोन है। तो किसी भी आदमी के पास स्मार्टफोन है, अगर वो व्हाट्सएप मैसेजिंग कर रहा है या मैसेजिंग भी कर रहा है तो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको बटन दबाना है, स्क्रीन सामने देखेगी, उसमें रिकमेंडेशन देखेगा, उतना पानी लगाना है। अभी वो इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में अवेलेबल है, गुजराती और तमिल में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है और उसके बाद तेलुगु और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में ऐप इस्तेमाल अवेलेबल हो जाएगा फार्मर को। तो उसमें लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं आने वाला। देखिए दादा, आपके यहाँ पे पैसे भी भाई, आपके कितने पैसे हैं? सुजेंद्र केजरे मुंबई। इजराइलीज इन्वेंटेड इरिगेशन सिस्टम सम 6 decades ago, and ever since we are working to make them more and more sophisticated and developed. We reach a stage today when we have smart irrigation systems which are tailor-made to the needs of the farmer. And in a country like India, we over 60 crore people are depending on agriculture, and we are having the challenge of water. Irrigation systems are not less than a revolution, because it can literally help you get more crop per drop. You're saving water, you're having fertilizer systems, everything through the irrigation system, and you are getting a better crop per drop. So we are very proud that Israel is cooperating with India also in this important field of water saving and developing its agriculture. Thank you. And the manna is, बोलते हैं जैसा माना फ्रॉम हेवन, तो इसका मतलब जैसा कोई स्पेशल फ्रूट हो वो उसके लिए है।
हमारी कंपनी का मतलब बेसिकली वाटर से कनेक्टेड है और मिडलिस्ट जो है वो दुनिया की अग्रणीय ड्रिप इरिगेशन कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग ड्रिप इरिगेशन कंपनीज इन द वर्ल्ड, और माना अब इसकी सब्सिडरी है। और माना से आइडिया ये है कि फार्मर्स तक जो प्रोडक्टिविटी है फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और पानी की खपत को कम कर सकें। कितने किसान तक पहुँच सकेंगे और ये माना कैसे तक पहुँचेंगे? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पर हम फेज़ वाइज जैसा करना चाहते हैं। आज हम 8 क्रॉप्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, आगे क्रॉप्स को भी बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट ये है 1 मिलियन हेक्टर हम पिछले 3 साल में कवर करेंगे। ये जो डेटा आता है ये 2 सर्विसेज से अलग अलग आता है, और एवरी 25 किलोमीटर जो लोकल 25 किलोमीटर का लोकल एरिया है उसके हिसाब से हाइपर लोकल वेदर डेटा आता है, तो उसके हिसाब से अडाप्ट किया जाता है। तो इसके लिए और जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो 2 सैटेलाइट से आती है, और वो भी इस हिसाब से आती है कि इंडिया में जो छोटे फील्ड्स हैं जैसा 1 एकड़ का है 2 एकड़ का फार्म है उसको भी प्रॉपरली आपने जैसे देखा होगा एक्चुअली देखा जा सकता है।